देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जनपद है बुलंदशहर। पवित्र गंगा नदी से सिंचित और कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र इन दिनों माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से विकास की एक नई गंगा से सिंचित और विकसित हो रहा है। लगभग 35 लाख आबादी वाला ये जनपद अनेक धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक धरोहरों की वजह से विख्यात है। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, विद्यार्थियों का व्यक्तित्व निर्माण करने एवं उनमें वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के उद्देश्य से खगोलीय विज्ञान पर आधारित प्रयोगशालाओं का विकास किया गया है। नई प्रयोगशालाओं की स्थापना होने से 1 लाख से अधिक लोग सीधे विज्ञान से जुड़ सके और नक्षत्रों के बारे में प्रत्यक्ष दर्शन कर सके हैं। परिषदीय विद्यालयों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और CSIR से जोड़ा गया है। बुलंदशहर जनपद में डिजिटल लाइब्रेरी सुविधा प्रदान कर छात्रों को इंटरनेट से अपने ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। कड़ी मेहनत करते इन श्रमिकों के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो सके, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवास विद्यालय योजना की शुरुआत की है। उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं को आधुनिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया जा रहा है। अब तक 5,438 टैबलेट और 13,783 स्मार्टफोन का वितरण किया जा चुका है। मातृत्व एवं शिशु सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए कंगारू केयर की स्थापना की गई है। इससे जिला अस्पतालों और महिला अस्पतालों में गुणात्मक सुधार आया है। बुलंदशहर जनपद में चिकित्सा सुविधा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से SSMJ अस्पताल खुर्जा में इंडो अमेरिकन फाउंडेशन की मदद से पोर्टेबल अस्पताल बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। इसके पूरा होते ही जनपद वासियों को और मेडिकल के क्षेत्र में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए ये अभूतपूर्व सौगात साबित होगा। बुलंदशहर जनपद के शहजाद कनैनी ग्राम पंचायत में ठोस एवं तरल अपशिष्ट को खाद के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से प्रदेश में अपनी तरह के पहले ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र की स्थापना 1.71 करोड़ की लागत से की गई है। युवा किसानों में कृषि की बेहतर समझ और तकनीक आधारित खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 19.90 करोड़ की लागत से राजकीय कृषि आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। ऑर्गेनिक खेती बदलते कृषि बसंत की एक मांग है, इसके लिए नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा नदी के किनारे 1000 हेक्टेयर जमीन पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें लगभग 1594 किसानों ने अपनी सहभागिता दिखाई है। इसके साथ ही सब्जी और फलों की खेती पर अधिक ध्यान देने के उद्देश्य से नई कृषि तकनीक जैसे मिल्चिंग विधि, पॉलीहाउस, ड्रिप इरिगेशन और हाइड्रोपोनिक्स तकनीक को इस्तेमाल करना सिखाया गया। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गौवंश एक प्रमुख पशुधन है। गौवंश को बचाए रखने के उद्देश्य से 150 गौवंश आश्रय स्थल बनाए गए हैं। इन गायों को चारा और स्वास्थ्य संबंधी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ 168.71 लाख टीके लगाए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गौवंश योजना के तहत 2,335 किसानों को 3,645 गौवंश विभिन्न आश्रय स्थल के सुपुर्द किए गए हैं। गौवंश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक स्थायी और अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल का निर्माण किया गया है। हर घर जल प्राप्त हो सके, इसके लिए जल जीवन मिशन फेज 2 कार्यक्रम के तहत बुलंदशहर जनपद में 409 नई पेयजल योजनाएं शुरू की जा चुकी हैं, जिनकी कुल लागत 1,146.76 करोड़ रुपए है। इससे 2,68,330 घरों को पेयजल उपलब्ध होने की संभावना है। अमृत योजना के अंतर्गत क्षेत्र की खूबसूरती बढ़ाने के लिए 8 पार्कों का नवीनीकरण किया गया।
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीणों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बुलंदशहर जनपद में सड़कों के निर्माण में तेजी से कार्य किया। पिछले 5 वर्षों में 407.40 करोड़ की लागत से 120 सड़क परियोजनाओं को पूरा किया गया है। वर्तमान में 138.96 करोड़ की लागत से बुलंदशहर जनपद में 61 सड़क परियोजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है। विकास कार्यक्रम बुलंदशहर जनपद में सिर्फ सड़क परियोजनाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अनेक रेलवे क्रॉसिंग वाली जगहों पर पुलों का निर्माण कराया गया है। मेरठ खुर्जा रेल सेक्शन 16B पर 36.64 करोड़ की लागत से सड़क पुल का निर्माण किया गया है। ऐसा होने से शहरवासियों को मेरठ बुलंदशहर हाईवे जाने वालों के लिए यात्रा सुगम हो गई है। औद्योगिक इकाई के रूप में तेजी से विकसित हो रहे खुर्जा एवं सिकंदराबाद तहसील में बिजली की आपूर्ति हमेशा बनी रहे, ताकि विश्व स्तर पर जो ख्याति खुर्जा ने पॉटरी उद्योग के रूप में स्थापित की है उसकी पहचान बरकरार रहे। इसके लिए THDC इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा 1320 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बीते कुछ ही वर्षों में बुलंदशहर को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। आगे भी उनके नेतृत्व में ये जनपद बुलंदियों के हाईवे पर सर पटक दौड़ेगा, ऐसी उम्मीद सारे जनपदवासी करते हैं।